सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। राजकीय महिला महाविद्यालय DLW वाराणसी में संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, जिला प्रशासन वाराणसी एवं इतिहास विभाग राजकीय महिला महाविद्यालय DLW वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी भारत स्वतंत्रता आंदोलन समाज संस्कृति और साहित्य के संदर्भ का शुभारम्भ हुआ। इस कॉलेज में संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और इस संगोष्ठी जो चल रही है उसकी कन्वीनर है। ये इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एक राष्ट्रीय संगोष्ठी और इस अभिलेख प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया है। राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी जहाँ बच्चों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत से विविध पक्षों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, वहीं ये अभिलेख प्रदर्शनी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिन वीरों की गाथाएं सुनते हैं, जिन शहीदों के बारे में सुनते हैं, उन शहीदों का जीवन कैसा था, यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत से पत्र हैं जो उन लोगों के हाथ के लिखे हुए हैं, उनकी राइटिंग में लिखा हुआ उनका जो भाव है उसको पढ़ करके, जान करके, समझ करके स्टूडेंट्स में जो राष्ट्रीय भावना, देश के प्रति जो सोच जागृत होगी, ये एक बहुत बड़ी पहल होगी, क्योंकि देश के प्रति सबसे पहले एक ऐसा संकल्प मन में होना चाहिए जो राष्ट्रहित का संकल्प हो, और उसे युवाओं में आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यह प्रदर्शनी भी और यह संगोष्ठी भी, जहाँ विद्वानों का एक तरह से जमावड़ा यहाँ पर हुआ है, उस जमावड़े का जो सर्वाधिक लाभ मिलेगा वो हमारी युवा पीढ़ी को मिलेगा, और उसके अंदर हम एक सोच को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे, इसी भावना के साथ इन दोनों कार्यक्रमों का आयोजन किया। ये अभिलेख प्रदर्शनी अभिलेखागार द्वारा लगाई गई है, इसमें 1857 से लेकर के 1945 तक के रिकॉर्ड्स लगाए गए हैं। हमने स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न बच्चों को प्रयास किया है कि वो प्रस्तुत हो जाए, और जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन, 1857 का विद्रोह, गांधीवादी आंदोलन और भगत सिंह से होते हुए, चंद्रशेखर आज़ाद से होते हुए सुभाष चंद्र बोस तक के कार्यकाल को पूरा करने का प्रयास किया। आज समापन के तौर पर मुख्य अतिथि कौन? विद्या पंचमी में आज मुख्य अतिथि हैं। बड़ी संख्या में लड़कों ने, बच्चों ने इसमें इसको देखा है, और बहुत सारे लोगों ने इसकी तस्वीरें ली हैं। एक व्हाट्सएप का टाइम है और सेल्फी का समय है, बहुत सारे बच्चों ने लिया। ये एक नई पीढ़ी के लिए बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि वो कम से कम इसी के माध्यम से जुड़ रहे हैं और उनको जानकारी हो रही है। जैसे हमारे पास एक बहुत बढ़िया दो पत्र है, शहीद रोशन सिंह का पत्र है और शहीद अशफाकुल्ला खान का पत्र है। अगर आप ये दोनों पत्र देखें और जनता में जाए तो एकदम भव पत्र करने वाले पत्र हैं, जिसमें वो दिखाते हैं कि हम अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, हमको पता है कि कोई हम इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन मेरे वतन के लोगों, भविष्य तुम लोग का है, पढ़ो।